में शहनवाज खान शब्बू ने अपना नामांकन किया तो मुकुल यादव ने सपा से नामांकन किया। समाजवादी पार्टी के सभी हमारे सदस्य जिन्होंने नामांकन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं पार्टी के विधायकों को अभी धन्यवाद देता हूं। कामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। वो दोनों सदनों में और सदन में समय समय पर अपनी बात रखी है उन्होंने। वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं। हमें खुशी है कि जनता की आवाज़ को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवारों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जितने भी सदस्य आज नामांकन किए, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। तो फिलहाल एक और सियासी जंग और सपा ने रोक ली पार्टी में अपनी खेमेबाजी और इससे बीच 13 सीटों पर निर्विरोध जीतेंगे प्रत्याशी। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सपा के 4 और बीजेपी के 9 उम्मीदवार हैं। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार इस सियासी जंग को लेकर के और आज जो नाम सामने आए हैं, लिस्ट जारी की गई है और जिन लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को कहीं ना कहीं साधने की एक नायाब कोशिश है। लेकिन कितने 2024 के नजरिए से देखा जाए और कितने मंत्रियों को फिलहाल मौका मिला है, काम का इनाम मिला है, रिवॉर्ड मिला है, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर के आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी हैं। अवनीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फखरुल हसन चांद जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। फखरुल हसन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सुशील दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नीरज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं अभी किसी राजनीतिक मैं प्रवक्ता के पास नहीं जा रहा हूं। मैं सबसे पहले सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सुशील दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, लगातार जब हम चुनावी सरगर्मियों को लेकर के बात कर रहे हैं, आज सपा के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया और बीजेपी ने अपनी 9 उम्मीदवारों की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले? मैं आलोक जी, राज्यसभा का पिछले देख लीजिए आप, इसका देख लीजिए आप, अभी वाला देख लीजिए। तो ये जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ये केवल महाभारत काल में ही नहीं हुआ था, ये द्रौपदी का चीरहरण आज भी हो रहा है। तब दूसरे रूप में हुआ था, आज दूसरे रूप में हो रहा है। ये राजनीति थोड़ी है। पहले अगर आपको याद हो, एक जमाने में उपमंत्री बनते थे, विधायक जीतने के बाद उपमंत्री, फिर राजमंत्री, फिर राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर कैबिनेट मंत्री, तो सपने में उम्मीद नहीं होती थी। मुख्यमंत्री तो खैर बात ही अलग हो गई। ये इस देश ने, इस देश के इतिहास ने, इस देश की राजनीति ने देखा है। उपमंत्री बड़ा भारी होता था, बड़ा काम होता था। अब बताइए, ये कोई राजनीति है? विधान परिषद, राज्यसभाएं होती थी वरिष्ठ जनों के लिए, उन लोगों के लिए होती थी जो समाज में सब सीख साख की अब उम्र हो गई है, बैठ गए हैं या किसी क्षेत्र के दिग्गज हैं, तो उनको नहीं पसंद है चुनाव लड़ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं पसंद है। तो लीडर ने कहा कि आप वहां आइए, अपने उसका अनुभव दीजिए यहाँ पर। अब आप बताइए, मैं सपा को लेता हूँ, 4 नाम दिए उन्होंने। हारा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे भाई, इतने बड़े लीडर थे तो जीत के आते ना, नहीं जीते तो कुछ दिन आराम करते। नहीं साहब, आराम करेंगे, वोट की राजनीति है। अब आइए उस पे, नंबर 2 पे आप जसमीन अंसारी जी, बसपा से आके सपा में आज MLC हो गए हैं, और सपा के जो वो कर्णधार थे वो कहाँ हैं? शानू खान। अब आजम खां पे इतनी मेहरबानी, 2.5 साल जेल में बंद रहने के बाद आजम खां पे इतनी मेहरबानी कि MLC भी उनका, राज्यसभा भी उनका, संसद भी उनकी,
अब भाई तो फिर रामपुर की हो सकता है रजिस्ट्री भी उनके नाम हो, वो कागज हमें नहीं पता, और नीरज जैन जी जानते होंगे कि कहाँ रखा है। अब आगे आइए, एक और सपा का नाम आया है, चौथा नाम मैं भूल रहा हूँ, शहनवाज और मुकुल यादव का, मुकुल यादव जी। अब सोहवरन सिंह जी के करहल के जो विधायक रहे उनके लड़के हैं। अब आप बताओ इन चारों नाम में ऐसा कौन सा नाम है, जैसे मैंने मान लिया कि कपिल सिब्बल लाए थे, योग आदमी लाए थे, हालांकि गलत था, कांग्रेस पे थे, वो करके छोड़ के यहाँ आए, लेकिन फिर भी वो योग बड़ा नाम है देश का। इन चारों का राजनीतिक वो क्या, फिर जो इनके जो गोप और विनय तिवारी और जयशंकर पांडे और पवन पांडे इस टाइप के जो सीनियर लोग हैं, बिल्कुल जो तो सीनियर्स की कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी की गई, ये तो समाजवादी पार्टी को लेकर के एनालिसिस हो गई। मैं जरा बीजेपी को लेकर के अगर बात करूं तो मैं डॉक्टर नीरज जी से चाहूंगा कि नीरज जी जरा मैं आपसे चाहूंगा कि इन जो बीजेपी ने जो 9 प्रत्याशियों की लिस्ट की जाए उस पर भी जरा आप टिप्पणी कीजिए, जरा उस पर एनालिसिस आपकी मैं चाहूंगा। देखिए आलोक जी, ये तो अभी सुशील दुबे जी ने बात कही है, पत्रकार जी ने, इनकी बातों से हम सहमत हैं। विधानसभा परिषदें और राज्यसभा वरिष्ठों के लिए होती हैं, जो जिनके अनुभव हमारे दोनों हाउसेस में काम आए और जिससे जनता को लाभ मिले। लेकिन आज जैसी जो सियासत चल रही है, वर्तमान राजनीति चल रही है, नूरा कुश्ती हो रही है, सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है। ये 2024 तक के लिए इन्होंने अपना होमवर्क किया है, लेकिन देखना है क्या 2024 तक ये रुक पाता है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ लेके आए हैं, ठीक है भाई, उनको जनता ने नकार दिया, आपने उसको स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 13 सीटें हैं, 13 सीटों में पिछली बार 6 थी समाजवादी पार्टी की, 3 थी बसपा की और 3 थी भाजपा की और 1 थी शायद कांग्रेस की। ये पूरी सीटों का वो था जी जी। और ये आप जान रहे हैं कि जो जीता वो सिकंदर, राजनीति के कहावत है, और इसमें भाजपा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करके कामयाब हुई है कि उसने न 3 बसपा की सीटें, चूंकि आपने अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा वो जो बसपा का पूरा वोट है साइलेंटली और डायरेक्टली उनके नेताओं के द्वारा कहने पर भाजपा की तरफ गया, तो 3 सीटें उनकी इधर आ गई और सपा का उल्टा हो गया। बिल्कुल, सपा की 6 इनके पास चली गई तो 9 सीटें इधर आ गई और उधर वो रखी। हालांकि ये बताएं आपको, इसमें कई लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, बिल्कुल, जैसे दानिश शेख है, बहुत अच्छा नौजवान उठता हुआ है, बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किए हैं उनको, और जैसे केशव प्रसाद मौर्य आप जान ही रहे हैं, वरिष्ठ हैं, तो कुछ लोगों को लाना तो ठीक है, लेकिन अब जहां पर आप एक से एक कैबिनेट मिनिस्टर में और स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर जो आपके बने हैं, सबके सब जनता के द्वारा ना आए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अटपटा लगता है। हाँ, मुकेश शर्मा जी के उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हालांकि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, सब जानते हैं मुकेश शर्मा जी बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल विधानसभा चुनाव में भी उनको बहुत मेहनत की मुकेश शर्मा जी ने, टिकट को देने की बात चल रही थी। और जो सुशील भाई जी ने जो बात कही है कि वरिष्ठों को, तो मुकेश शर्मा जी, कुछ लोगों को तो वाकई में सम्मान दिया गया है, लेकिन तमाम ऐसे कार्यकर्ता भाजपा के पास भी हैं सैकड़ों की तादाद में जिनको नकारा गया है जी। तो क्या ये जाति राजनीति खाली पिछड़े और दलितों की है? सवर्ण कहां जाएगा, उनकी राजनीति कौन करेगा? अगर आप पूरा ओवरऑल देखें सिनेरियो, जो 13 सीटें हैं, 13 सीटों में कुल ये देख रही है कितने किस सेक्टर के आए हैं, और जो जितने इस सेक्टर के आए हैं, अगर ये 24 की तैयारी में है तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी दांव खाएगी। एमएलसी और एमपी राज्यसभा सदस्यों के ऊपर में ज्यादा इसलिए फोकस नहीं करते हैं हम लोग, ये चूंकि एक राजनीतिक विडंबना है कि आपको चर्चा करनी पड़ती है, अदरवाइज आप जानिए जो असली पहलवानी होगी वो होगी लोकसभा के उपचुनावों में। चलिए, लोकसभा का भी इसमें कहीं ना कहीं इन प्रत्याशियों के नामों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, और कहते भी है कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और इसकी वानगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैंने ये एमएलसी चुनाव को लेकर के, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, इसीलिए अभी मैं किसी राजनीतिक दल के पास नहीं गया, वरिष्ठों से पहले मैंने एक ओवरऑल एक टिप्पणी ले ली। अब मैं जरा अविनाश जी के पास, अवनीश जी के पास आ रहा हूं। अवनीश जी, कुल मिलाकर के 7 मंत्रियों को आपने उतारा है, दावेदारी तो बहुत तगड़ी है। क्षेत्रीय देखिए, प्रतिनिधित्व देना आज के लोकतंत्र में बड़ा जरूरत की बात है, सबका सामंजस्य हो, सबका प्रतिनिधित्व दिखे, और पार्टी की उपयोगिता, अनुभवी आदमी जो सरकार चलाने में सहयोग करे, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये इसी धारणा को रखते हुए एमएलसी के टिकटों का चयन नेतृत्व किया है,
और मेरे विचार से जो पिछली सरकार में जैसे मौर्य जी की उपलब्धियां काम रहा, भूपेंद्र जी का रहा, और जसवंत जी पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, जैसे आपने अभी उन्होंने नीरज जी ने कहा कि भी मुकेश जी वहां थे, तो पार्टी नेतृत्व ने बहुत संजीदगी से बिना दबाव के बिना भेदभाव के एक ऐसे कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के उपयोगी जो पार्टी के लिए जरूरी है उनका प्रतिनिधित्व किया है, और क्योंकि लोकतंत्र में सभी की सहभागिता और सरकार में सभी का भागीदारी हो, इस तरह से सबका सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। और ये जाहिर सी बात है कि जो मंत्री घोषित हो चुके हैं उन्हें विधान परिषद में पहुंचाना है, उनका तो जाना ही था, तो उनका तय हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार से उचित फैसला है और बड़ा गंभीर फैसला है, और ये सरकार के तालमेल और सामंजस्य के लिए सबका साथ सबका विकास और विश्वास जो डारा है हमारा उसको जोड़ने में ये बहुत कारगर हुआ है और ये बहुत सराहनीय फैसला। अच्छा चलिए अवनीश जी, मैंने आपकी बात सुनी, मैं डॉक्टर नीरज जी के पास आ रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार आप भी हैं और आप भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर नीरज जी, अब देखिए मैंने अवनीश जी से सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक क्षेत्रीय जाति समीकरण जो है वो बिठाने की कोशिश की है, और सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलती है, और इस लिस्ट में भी उसकी वानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए आलोक जी, आप तो अवनीश जी एक बहुत समझे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनका अपना संगठन के वो बाइलाइंस और गाइडलाइंस के द्वारा चलेंगे, हम लोग तो एक जनता की और जनमानस के उसके हिसाब से चलते हैं। सबका साथ सबका विकास ये नारा सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप देखिए क्या जमीनी हकीकत ये है? पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई है, बेरोजगार सड़क पर तड़प रहे हैं, तो क्या ये सबका साथ सबका विकास है? क्या नौजवान आपका नहीं है? क्या समाज में शिक्षक आपका नहीं है? कर्मचारी आपका नहीं है? अगर है तो आज ये विडंबना कौन सी है कि इस तरह की स्थितियां आ रही हैं, और कोई नई बात नहीं है। हम तो भाजपा के मुकाबले कहेंगे सपा फिर भी काफी कामयाब रही, भाई 6 सीटें उसकी थी, 4 निकाल लाई, संख्या बल के हिसाब से कहिए चाहे बिना उसके, लेकिन इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या स्थिति किसके पक्ष में बैठेगी। जी फखरुल जी, फखरुल हसन चांद जी का फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। सर आज आपके 4 लोगों ने फिलहाल नामांकन कर दिया, जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और आपके यहाँ भी जिस तरीके से जाति और क्षेत्रीय समीकरण को कहीं ना कहीं एक आधार बनाया गया है। देखिए समाजवादी पार्टी ने बैठक करके ये सर्वसम्मति से ये नामों पर चर्चा की थी, जिसके बाद ये नाम फाइनल हुए थे। और राजनीति में सबको साथ लेके चलना होता है, और सबको प्रतिनिधित्व देना होता है, यही राजनीति है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि वरिष्ठों को जगह नहीं मिली या जो चुनाव हार गए उनको जगह दे दी, तो हम समझते हैं कि जिनकी बिरादरी है या जिस जात के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए विधान परिषद में, और अगर विधान परिषद विधानसभा में नहीं है तो समाजवादी पार्टी ने उनको उस जगह पे प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, और हम आगे भी इस काम को करते रहेंगे। जी नहीं फखरुल जी, हम समझ रहे हैं कि आपने जिस तरीके से कहा कि जिसको पार्टी प्राथमिकता के तौर पर दे रही, कि चुनाव हारने के बाद भी जिस तरीके से मौका दे रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2024 को भी साधना है। नहीं, दो निश्चित रूप से देखिए, हम तो राजनीतिक दल हैं, हम तो हमेशा चुनाव देख के ही कोई भी काम, कोई भी राजनीतिक दल अगर हम ये कहें कि नहीं हम चुनाव देख के फैसले नहीं करते तो ये बेईमानी होगी। ये सही है कि 2024 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य है, और अन्य दलों का भी लक्ष्य है, तो हमने अपनी जो रणनीति है वो 2024 के हिसाब से ही हमने भी उस पर आगे रास्ता चला है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जैसे अभी बात हो रही थी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो वो कहां नजर आता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक मुसलमान पूरे विधानसभा चुनाव में किसी को टिकट नहीं देती, एक उनको बैकडोर से एक मुसलमान को हर बार भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में मोहसिन रजा साहब को भी भेजा था विधान परिषद से और मंत्री बनाया था, इस बार भी विधान परिषद से भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान, एक नाम का मुसलमान नहीं है जिसको वो विधानसभा चुनाव लड़ा दे और जिता ले, और इसी तरीके से देश में आप देख लीजिए कहीं एक लोकसभा का टिकट नहीं देती। तो ये जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो नारा है वो केवल नारा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से और सबके सुनाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसा होती नहीं है। अवनीश जी, जमीनी हकीकत कुछ और है और सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, सीधा सा सवाल उठ रहा है।
सीधा सवाल जो है गलत सवाल है। हाँ। ये सवाल बेवजह का सवाल है और बेमौजूदा सवाल, इसलिए कि देखो खुद ये स्वीकार रहे हैं कि दानिश भाई हमारे गए सारी समाज से ताल्लुक रखते हैं वो, और भाजपा ने उनको प्रतिष्ठित किया। इस चुनाव में भाजपा प्रयोग करती रही है, मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे हैं, पर संयोग क्योंकि देखो वोट की राजनीति अलग है, वोट कौन किसे देता है ये पता चलता है, किसको किसको पसंद करता है, वोट की राजनीति में प्रत्याशी का चयन करना एक अलग चीज, और विधान परिषद और राज्यसभा में भेजना एक अलग। विधान परिषद में हम सबको साथ लेने के लिए अपने हाथ में होता है, तो इस तरह से दानिश जी को भेजा है। और एक चीज मैं बताऊं, देखो पिछले से ये पिछला चुनाव जो हुआ उसमें भुर्जी समाज के लोग बहुत कम है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो शायद ना जीत पाए, क्योंकि जिस तरह से वोटों का ट्रेंड हो गया है लोकतंत्र में, जातिवाद और ये फलाना और ये सब इस तरह से बना दिया गया है जातिवादी पार्टियों ने, तो ये माहौल जो हो गया तो भुर्जी समाज को जो बहुत कम समाज है प्रदेश में उसको भेजने का काम भाजपा। अच्छा अवनीश जी, अब आप मेरे सवाल का जरा जवाब दे दीजिए। अवनीश जी, मैंने आपकी बात सुनी, आपने सबका साथ सबका विकास की बात की और सबको साथ लेकर के चलने की भी बात की, मैंने आपकी बात सुनी और उस पर जवाब भी लिया, राजनीतिक विश्लेषक का भी और पत्रकार का। जब हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, एक तरफ आप लोग, तो उसमें क्या महिलाएं नहीं शामिल हैं क्या? महिला सशक्तिकरण की तो बात खूब की जाती है। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। अभी आप जैसे पिछले अभी राज्यसभा के नॉमिनेशन हुए, दो दो महिलाएं हमने राज्यसभा, और ये चुनाव क्योंकि इसमें 7 मंत्री पहले घोषित हो चुके हैं, इसमें स्पेस कम था, अभी तो 6 और होने हैं नॉमिनेशन के हैं, अब कहां चिंता करते हो। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में भाजपा पूरा ध्यान रखती है, और हर वर्ग को, समाज के हर पिछड़े से पिछड़े वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को, हमारा मूल ध्येय वो है कि पंक्ति का अंतिम व्यक्ति का विकास हो, ये हमारा मूल मंत्र है राजनीति का, इसी के आधार पर भाजपा काम करती है और सबका भरोसा। फखरुल जी, देखिए आपके सवाल का जवाब मिल गया, और उससे मैंने एक सवाल महिला सशक्तिकरण को लेकर भी पूछ लिया, अब मुझे लगता है कि आप इस जवाब से संतुष्ट हैं कि नहीं। देखिए ये तो ये मैंने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला जो नारा है उससे ये संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अगर ये कहते हैं कि मैंने प्रतिनिधित्व दे दिया, तो मैं ये पूछता हूँ ना कि आपके पास अल्पसंख्यक, आपके भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी में, क्या आपके पास एक लीडर नहीं है मुस्लिम में से जिसको आप विधानसभा चुनाव लड़ा दे और जिता ले? क्या आपके पास एक लोकसभा में एक प्रत्याशी, पूरे देश में एक मुस्लिम लीडर आप तैयार नहीं कर पाए जिसको आप लोकसभा लड़ा दे? अच्छा, ये बात आप इसलिए बोल रहे हैं कि आपने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करें, इसलिए कह रहे हैं क्या ज्यादा? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने जब अपनी बात कही, तो मैंने कहा कि और प्रगतिशील जो मुस्लिम है वो भाजपा को पसंद भी करते हैं और भाजपा का साथ भी दे रहे हैं, वोटों का प्रतिशत हमारा मुस्लिम से बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो इसीलिए बढ़ रहा है कि कोरोना काल में जिस तरह से योगी सरकार और मोदी सरकार घर घर राशन पहुंचाया, बिना भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया, उससे भरोसा जगा है, धीरे धीरे भरोसा जगा है। परंतु दिक्कत यह है कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो केवल अब तक इस बात की राजनीति करती रही कि भाजपा से डराकर मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने का जो काम का जो हवा बना के राजनीति का चलता रहा, एक पैटर्न चलता रहा है, वो धीरे 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 कम हो रहा है। अब बदलाव की लहर चली है, 14 के बाद से राजनीति की धारा बदली है देश की, ये बदलाव आप दिखेगा आने वाले टाइम में, वो दिन भी दूर नहीं जब हमारे पास सब तरह की वोटें होंगी। जी प्रोफेसर नीरज जी, जिस तरीके से एक जो दस सेकंड में देखिए जब ये देखिए राशन की बात करते हैं, दूसरी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन ये सवालों का जवाब नहीं देते। हाँ। मैं तो अल्पसंख्यकों की बात कर रहा था, मैं इनसे अगर पिछड़ों की भी बात कर लूं, तो हमने देखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण नौकरियों में खाने का काम किया है। हमने तो ये भी देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री आप तथ्यों पे बात कीजिए ना कि वोट कौन किसे दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ दिया है और सबका विश्वास किया है, सबका विकास करा है, एक परिवार का और या एक जाति विशेष का हमारे यहाँ नहीं चलता है, हमारे यहाँ सब चलता है। इसीलिए 37 साल बाद योगी सरकार को प्रदेश की जनता ने सत्ता पे बैठाया है, क्योंकि सबका भरोसा जीतने में योगी सरकार कामयाब रही।
क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक मंत्री ने अपने भाई को गरीब कोटे से नौकरी नहीं दिलाई? क्या पिछड़ों का आरक्षण नहीं खाया गया उत्तर प्रदेश सरकार में? मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, आप गलत तथ्य की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि देखो पिछड़े हमारे साथ हैं, हर वर्ग हमारे साथ, समाज का हर वर्ग भाजपा के साथ है, और जो नारा मोदी जी ने दिया है उसको क्योंकि अमली जमा पहनाया गया है, निचले स्तर तक पहनाया गया है, इसीलिए 2014 के बाद लगातार हम जीत के कर्म तक बढ़ाए हुए हैं। 24 भी हम हैं, 27 भी हम हैं। अब चिंता उन जातिवादी और परिवारवादी और विराज वो जो परिवार कुटुंबा और घर की राजनीति करने वालों को उनको चिंता करनी चाहिए, और ज्यादा वोट शेयर उनको उनको चिंता करनी चाहिए, उनको ये चिंता करनी चाहिए राज्यसभा चुनाव में किस तरह से एक व्यक्ति ने अपने कैंडिडेट को जबरदस्ती कराया। और अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर नीरज जैन के पास आ रहा हूँ। नीरज जी, एक बड़ी बात, एक बहुत अहम सवाल बीजेपी को लेकर के अगर मैं बात करूं, अवनीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने अपनी बात रखी। सात सात मंत्री विधान परिषद जा रहे हैं जिन्हें जनता की स्वीकार्यता नहीं है, ये बहुत अहम सवाल का जवाब मैं आज आपसे ले रहा हूं। देखिए आलोक जी, ये आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो बहुमत के आधार पर जो कर रहे हैं, तो उस आधार पर मैं इसको बेईमानी भी नहीं समझता। देखिए अरस्तु ने बहुत समय पहले कही थी, उसने कहा था कि बहुमत की सत्ता का बुरा हश होता है और बहुमत की सत्ता निरंकुश होती है, लिखा है कोटेशन से। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप भी नकार रहे हैं, देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर पाती ना उस पर चर्चा कर पाती है। ये मुद्दा मिला है तो मैं फखरुल भाई से लेके अवनीश जी दोनों सबसे पूछना चाहता हूं, आखिर भारतवर्ष में ऐसा क्या है कि अल्पसंख्यकों में आप सिर्फ मुस्लिम को ही अल्पसंख्यक मानते हैं, जो आज की डेट में 140 करोड़ 82 लाख कुछ हजार की आबादी है। मैं यहां मेरे लखनऊ विश्वविद्यालय में गेट नंबर 2 पे पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर PRC की घड़ी लगी है, हाँ हाँ। है? और जिसको आके अश्विनी चौबे जी माननीय केंद्र मंत्री जाके लगा गए हैं। जनता का आंकड़ा देख लीजिए, आखिर 16% भारत वर्ष के अंदर जो मुस्लिम आबादी है उसी को क्यों अल्पसंख्यक माना जाता है? बुद्ध कहां गए, जैन कहां गए, सिख कहां है, क्रिश्चियन कहां है? आप दोनों के दलों में किसी का भी उसमें भागीदारी नहीं है। चलिए किस बात की बात, आज इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए, हिट डिबेट हो जाएगी आज की, क्योंकि तमाम सारे लोग सुन भी रहे होंगे सवाल का जवाब, जल्दी से। देखिए देखिए डॉक्टर साहब आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मैंने कहीं इस बात इस तरीके के शब्द इस्तेमाल नहीं किए कि अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान आते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल किया था तो मैंने इनसे सिर्फ ये पूछा था कि मुस्लिम आपके पास, मैंने अल्पसंख्यक इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कहा था कि मुस्लिम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने उनके कभी हितों की बात भी नहीं करी। नहीं नहीं, अल्पसंख्यक इस्तेमाल किया है आप लोग? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं नहीं आगे विषय पर। नहीं नहीं, मैंने अल्पसंख्यक के लिए नहीं बात कही थी, मैंने मुस्लिम कैंडिडेट की बात की। तो मैंने बाद में जब अपनी बात को आगे बढ़ाया था तब मैंने कहा था कि 35% वोट हमको मिला है, जिसमें हमें अल्पसंख्यकों का भी मिला है, अगड़ों का भी मिला है, पिछड़ों का मिला है। तो अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, जैन भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन सर किसी भी राजनीतिक दल ने इनको क्यों नहीं इसमें भेजा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, विधान परिषद और लोक इसमें राज्यसभा में क्यों नहीं इनको दिया गया? आखिर कब तक देशवासी या देश की सरकारें, राज्य की सरकारें खाली मुस्लिम को ही अल्पसंख्यक समझेंगी? क्यों भेज दिया गया? अगर अल्पसंख्यक के नाते आपने पिछली बार भाजपा ने मोहसिन नदा को भेज दिया था तो इस बार किसी क्रिश्चियन को भेज देते, किसी सिख को भेज देते, लेकिन आपकी राजनीतिक मजबूरी थी क्योंकि आपके पास है ही नहीं। आप पहले मंत्री बना लेते हैं, उनको किसी हाउस से लाना है, अब नहीं लाएंगे तो आपकी सर 6 महीने के अंदर वो उसी सदस्यता खत्म। आपकी राजनीतिक मजबूरी है सर, राजनीतिक मजबूरी और इसमें राजनीतिक दूरदर्शिता कहीं ना कहीं ज्यादा कहेंगे कि क्योंकि 2024 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सुशील दुबे जी, इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, लेकिन अब दो ही दल बस अब रह गए, बीजेपी और सपा। अन्य दल अब कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता साफ तौर पर नजर आ रही, खास करके अभी की अगर हालातों के समीकरणों को बात करें तो। आलोक जी 2-3 मिनट दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए, एक तो कांग्रेस तो खर्च हो चुकी है, आप समझ रहे हैं, खर्च हो चुकी है, और ये दो चुनाव में जो उसने लोकसभा के अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, ये उसने बैठे बैठाए अपने ऊपर राता मट्ठा फैला लिया, उसका कोई मतलब नहीं। BSP भी एक सीट को लेके चलती है, तो अब BSP और BJP का जो स्थिति है वो आप समझ लीजिए कि हाउस में BSP के एक प्रत्याशी रमा एक विधायक रमा शंकर सिंह के प्रस्ताव पर योगी जी
3 करोड़ से 5 करोड़ कर देते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत सीट है। वो हम BSP की सीट माने कि भाजपा की माने या अंडरस्टैंडिंग की सीट माने, ये बात खत्म हुई। मैं आता हूँ सपा पे, मैंने बोला सपा पे थोड़ा और बोल के मैं बीजेपी पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सपा पे मैंने अभी बोला, मैं 2-3 और कहना चाहूंगा। आलोक जी, लोकतंत्र क्या होता है? अभी नीरज भाई ने बड़ी अच्छी बात की, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है जनता की आवाज, जनता के निर्णय का सम्मान। चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव में लोग इतने लोग हार, जो हारे हुए पक्ष होते हैं उतना वोट होता है कि जीते उसे ज्यादा वोट होता है, लेकिन फिर भी जीता हुआ विधायक माना जाता है, MP माना जाता है, कि लोकतंत्र में ये जीता है। 25% लेके जीता और 75% के खिलाफ वोट पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जीत गया, शपथ ले ली, विधायक बन गया। आप एक चीज बताइए, फिर इसका मतलब फिर लोकतंत्र का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं? अगर हारे हुए को आप हाउस में भेज रहे हैं तो लोकतंत्र का आप सम्मान कहाँ कर रहे हैं? आप तो लोकतंत्र की इज्जत उतार रहे हैं। दूसरी बात, फिर अगर लोकतंत्र में आपने राजनीतिक आपने गठबंधन किया है तो राजनीतिक सुस्तता भी होती है, राजनीतिक एक विश्वास भी होता है। फिर केशव देव मौर्य महानंदनवाला की क्या गलती की थी जी? फिर उसने राजभर ने सपा सपा ने क्या गलती की थी? उसने भी तो गठबंधन सपा से किया था, उनके सपा गठबंधन को बिना किसी ठोस कारण के आपने क्यों तोड़ दिया? एक सीट उनको भी मिल सकती थी जी। आपके जो पुराने साथी थे, जो कर्मठ साथी थे, उनको भी एक सीट मिल सकती थी। इस तरीके से करते। और फिर एक चीज और बता दें आलोक जी, मुझे बड़ी हंसी आती जब कोई कहता है कि वो बैठक करके सरसम्मत से ये नाम दिए। अरे एक लीडर होता है, उसके सामने नाम आता है, उसको जो पसंद आता है अटैची होती है, BPS होता जो होता है, अपने तय करता है, टिक लगाता है। कौन बैठक करता है, कौन बैठक की सुनता है, कौन सी बात करते कि उस सरसम्मत से आए बैठक की और प्रस्ताव पास हुए और अंतिम मोहर आला कमान लगाएगा, आला कमान लगाएगा, जे लगाएगा, ये सब कहने की बात है, हमें भी मोहर लगेगी। अब दूसरी बात आइए, नहीं आलोक जी, अब आइए इस पे। देश की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदूवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, जो आज प्रदेश में जिसकी शानदार सरकार है बहुमत की और देश में सरकार है, मैं दोनों नेताओं का सम्मान करता हूँ। विनम्र सवाल इस बात का है जो सपा के साथ था, सपा में इतना नहीं है कि सत्ता वालों की जिम्मेदारी बहुत बनती है। अरे आपके पास संगठन है, आप राष्ट्रीय महासचिव बना दो, आपके पास एक से एक विभाग निगम है, निगम का उनको अध्यक्ष बना के राज्यमंत्री का दर्जा दे दो। आपके पास एक से एक 30-30, 40-40 साल से लोग बैठे हुए हैं, उनको आप विधान परिषद में भेजो। आप हारे हुए, आप पहली बार मुझे लगता है रिकॉर्ड है ये आलोक जी, शायद देख लीजिए आप, पहली बार रिकॉर्ड होगा कि किसी सरकार ने 7 हारे हुए 7 बिना लड़े हारे हुए लोगों को मुख्यमंत्री, डिप्टी CM बनाया, मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, जिनका कोई, अरे भाई आपने क्यों लड़ाया, क्यों नहीं इनको, और नहीं लड़ाया तो फिर मंत्री क्यों बनाया इनको, और मंत्री बनाया तो फिर MLC क्यों भेजा इनको, अरे भाई 6 महीने के मंत्री हुआ। ऐसे तमाम सारे सवाल है जिसको लेकर लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है? आप तो जो आपकी मर्जी आए आप करिए, साथ लेकर विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं की, उन पदाधिकारियों की अनदेखी होती है जो लगातार पार्टी से किस तरीके से जुड़े रहते हैं, जिन्होंने पार्टी को लेकर के इतना काम किया है। लेकिन कुल मिलाकर के यूपी में विधान परिषद की जंग लगातार तेज होती जा रही है, सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की एक कोशिश की गई है। तो बीजेपी ने साधा जातीय समीकरण, कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।